11th क्लास में हम लोग का जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बेसिक फॉर्मूले, जो कि डिफरेंशिएशन के बेसिक से फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को देखा था। आइए आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चंस के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, उसको भी साथ साथ में सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो हमारा इस तरह से रहता है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में निम्न का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, निम्न का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा लॉग एक्स, और इसका बेस जो है वो एक्स है। लॉग के वीडियोस को आपने देखा हुआ है, उसके बाद लॉग की वीडियो को देखने के बाद ही मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर देखें, क्योंकि लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर के लिए। सबसे पहला चीज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जब दिया जाता है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे फंक्शन होंगे, सारे के सारे फलन होते हैं। अब जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दो तरीके से दिया जा सकता है। पहला तरीका है, आपको डायरेक्ट वो फंक्शन दे देगा जिसको कि वो डिफरेंशिएट करवाना चाहता है सामने वाला, क्वेश्चन पूछने वाला। ऐसे में सबसे पहला काम आपका ये है, आप सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप y की वैल्यू मानेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ हो, चाहे कोई भी हो, आप उसे y की वैल्यू मानेंगे। माना y बराबर, हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये है log x, और इसका बेस में x है। हमने इस log x को y मान लिया। अब यहाँ पर हम एक लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये w.r.t होता है, इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू पढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी में लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसा कि हमने पिछली बार बात किया था कि डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है और इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में होता है। आश्रित चर का सदैव अवकलन किया जाता है और स्वतंत्र चर के सापेक्ष ये अवकलन होता है। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर जो है वो वाई है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो हमें लिखना रहता है वो है dy/dx। dy/dx कहने का मतलब कि हम वाई का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। dy/dx का अर्थ ये होता है कि हम वाई का अवकलन कर रहे हैं और एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, और इसी में यहीं पर आपको इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू के साइन लगाने के बाद आपको लिखना है d/dx। अब सोचिए यहाँ पर क्या चीज़ नहीं लिखा गया, यहाँ पर y नहीं लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, y की जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है। log x, log के साथ ये x है और इसका बेस जो है हल्का सा नीचे रहता है। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहला चीज d/dx, d/dx के बाद ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट में y का जो भी वैल्यू रहेगा हम उसी को लिखेंगे। और y का वैल्यू क्या होता है, आपका जो क्वेश्चंस है वही आपका y का वैल्यू होता है। y की वैल्यू कहीं अलग से नहीं आती है, जो भी आपका प्रश्न है वही आपका y का मान होता है, और उसी को आपको इस d/dx के बाद ब्रैकेट में रखना रहता है। सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये, अगर इस ब्रैकेट में एक से अधिक टर्म्स हैं, अगर इस ब्रैकेट में एक से अधिक पद हैं, तो
तो ये d बाई डी एक्स जो है उन सभी पदों के साथ लगेगा, उन सभी टर्म्स के साथ ये लगता चला जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पर 3x माइनस 7 प्लस साइन एक्स ऐसे करके लिखा हुआ रहता, मान लीजिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ रहता तो ब्रैकेट के अंदर आपके तीन टर्म हैं, ब्रैकेट के अंदर आपके तीन पद हैं, तो अगले लाइन में आप क्या करते, ये d बाई डी एक्स आप सभी के साथ लगाते, यानी d बाई डी एक्स 3x माइनस d बाई डी एक्स 7 प्लस d बाई डी एक्स साइन एक्स ऐसा लिखते। ऐसा करने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर d बाई डी एक्स के बाद किसी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, d बाई डी एक्स के बाद अगर किसी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो, d बाई डी एक्स के बाद अगर किसी अचर राशि का किसी चर के साथ गुणा हो, तो यहाँ से कांस्टेंट को आप बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट अचर पद को आप बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर जैसे देखिए 3 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन है, 3 का अगर x के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो 3 जो है अपने आप में कांस्टेंट है, अचर है, और ये x जो है वो वेरिएबल है, x जो है वो चर है, तो यहाँ से 3 जो है बाहर निकल जाएगा, d अपॉन डी एक्स केवल x बचेगा। यहाँ पर देखिए d बाई डी एक्स के बाद केवल 7 लिखा हुआ है, 7 जो है अपने आप में कांस्टेंट है, एक अचर है, क्या इसके साथ कोई भी वेरिएबल है, कोई भी चर है? नहीं है, तो यहाँ से इस 7 को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम कांस्टेंट को d बाई डी एक्स के बाहर कब लाते हैं? जब उस कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो। यहाँ पर इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको वैसे का वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर भी देखिए d बाई डी एक्स के बाद साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स अपने आप में एक वेरिएबल है, साइन एक्स अपने आप में एक चर राशि है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि अगर आपने एक्स की जगह अलग अलग वैल्यूज़ को रखा, आपने एक्स के अगर अलग अलग मानों को रखा, तो इसके कारण साइन एक्स की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। अगर आपने एक्स की जगह 0 डिग्री रखा तो साइन 0 डिग्री का मान अलग होगा, एक्स की जगह अगर आपने 30 डिग्री रख दिया तो साइन 30 का मान अलग हो जाएगा, एक्स की जगह अगर आपने 60 डिग्री रख दिया तब इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। यानी एक्स के मान को परिवर्तित करने से इस पूरे का मान अगर परिवर्तित हो रहा है तो ये हमारा एक वेरिएबल है। अब इसके साथ में क्या कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है? नहीं है, तो ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। इतना सारा चीज़ करने के बाद आप इन फॉर्मूलों को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इन फॉर्मूलों को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको इतना सारा चीज़ हर एक क्वेश्चन में करना होगा, बार बार करना होगा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा। तो आप इस स्टेप को ध्यान से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ों को फिर से समझिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर d बाई डी एक्स के बाद इस ब्रैकेट में सिर्फ एक ही टर्म है, अगर एक ही टर्म है तो d बाई डी एक्स केवल इसी के साथ लगेगा, तो अगले लाइन में हम इसको लिख सकते हैं dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स और बेस में x है। लॉग की आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज में आपने इस वाली प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा, क्या है लॉग एक्स, लॉग के साथ क्या है, तो लॉग के साथ x है, और इस लॉग का बेस क्या है, इस लॉग का बेस भी x है। आपने लॉग की प्रॉपर्टी में ये देखा है कि लॉग जिसके भी साथ रहे अगर वही चीज़ उसके बेस में आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्या कहा गया, लॉग जिसके साथ लगा है
अगर लॉग के बेस में भी वही चीज़ आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर लॉग एक्स, इसका बेस भी एक्स है, तो इस पूरे की वैल्यू अपने आप में 1 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, इस पूरे की जगह पर अब हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 कहाँ से आया, लॉग की हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी। अब आइए डी बाई डी एक्स के बाद क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स के बाद 1 लिखा है, और 1 क्या होता है, 1 अपने आप में कांस्टेंट, एक अचर होता है। तो आइए इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी इसका जब अवकलन किया गया, इसका जब डिफ्रेंसिएशन हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आइए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन में e की पावर में 3 log x है। सबसे पहला चीज़ आपको यही बताया गया कि आपका जो भी क्वेश्चन दिया रहे वो और कुछ नहीं, y का वैल्यू होगा। तो आप लेट y इज इक्वल टू, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है e की पावर में 3 log x, ये लिखना है। इसके बाद आपको ये लैंग्वेज लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और फिर यहाँ लिखना है dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लगाना है, यहाँ लिखना है आपको d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट लगाने के बाद आपको सिर्फ y की वैल्यू लिखनी रहती है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू e की पावर 3 log x है। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए कि क्या इस ब्रैकेट में एक से अधिक पद हैं, एक से अधिक टर्म्स हैं, नहीं हैं। तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यहाँ से हमारा dy by dx इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स e की पावर में 3 log x आएगा। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टीज लगनी शुरू हो जाती हैं। log की प्रॉपर्टी में आपने ये पढ़ा है, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। अगर log का कुछ बेस नहीं लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि वो बेस e है। अगर log के बेस में, log के आधार में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो आधार e होता है, इतना मान के चलिए। ये प्रॉपर्टी अगर पढ़ी है तो इसका जरा उल्टा सोचिए। उल्टा सोचने का मतलब कि अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेम यही चीज़ आप यहाँ पर केवल ऊपर में देखिए, अभी इस ई को मत देखिए, केवल इस ऊपर में देखिए। ऊपर में क्या लिखा है, 3 log x लिखा है। अगर 3 log x लिखा है तो इसको आप इसके साथ अगर मिलाकर देखिएगा तो n की जगह पर 3 है, log हमारा log के जैसा है, और m की जगह पर x है। तो इसको अगर हम ये लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है log x की पावर में 3 है। log की ये वाली प्रॉपर्टी जब हमने यहाँ लगाई तो हमें मिला dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर e की पावर में log x क्यूब। ये कहाँ से आया, हमने ये वाली log की प्रॉपर्टी यूज की तो हमारे पास ये आया। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर फिर से एक log की प्रॉपर्टी है। log की प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा e की पावर में log x, ये log x अगर लिखा हुआ है तो क्या इसका बेस के बारे में आप समझ सकते हैं कि इसका बेस क्या है। कभी भी log के बेस में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम उसे क्या लेते हैं, हम उसे e लेते हैं। और log की प्रॉपर्टी में आपने देखा है कि e की पावर में, e की
पावर में अगर लॉग हो, ऐसा लॉग जिसका बेस ई हो, तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू वही चीज आती है जो लॉग के साथ लगा था। लॉग के साथ आपका एक्स है और लॉग का बेस जो है वो ई है, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगकर ये पूरा का पूरा इलाका सॉल्व होकर अपने आप में एक्स बचेगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा भाग है ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। ये डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर है और इस पूरे के बदले में हमारे पास आ जाएगा एक्स का क्यूब। ई की पावर में लॉग है और इस लॉग का बेस क्या है, इस लॉग का बेस ई है। तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी में देखा है कि ई की पावर में लॉग हो और वो लॉग का बेस अगर ई हो तो उसकी वैल्यू वही होती है जो लॉग के साथ है। लॉग के साथ यहाँ पर एक्स क्यूब है तो इसकी वैल्यू एक्स क्यूब हो गई। अब एक्स क्यूब हो जाने के बाद आप जब फॉर्मूले की तरफ जाएंगे तो ध्यान से समझिए, एक्स जो है वेरिएबल है और उसका पावर जो है वो कांस्टेंट है। हमारे फॉर्मूले में एक्स जो है वेरिएबल है और इसकी पावर में ये कांस्टेंट है, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। एन की जगह पर हमारे पास यहाँ थ्री है, तो इसके आंसर में जहाँ जहाँ एन आया है उसकी जगह पर हम थ्री रखेंगे। तो थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कहने का मतलब ये टू होगा। तो यहाँ से इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स की पावर थ्री का जब डिफ्रेंसिएशन होता है तो ये बनता है थ्री एक्स स्क्वायर। कैसे बना, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने यहाँ पर यूज किया एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन फॉर्मूला यूज करके हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू थ्री एक्स स्क्वायर आई। यही आपका आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है थर्ड, ये रूट एक्स है। रूट एक्स का हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। सबसे पहला काम ये क्वेश्चन नंबर थ्री में चला जाएगा, लेट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। हमारे क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ रहता है हम उसी को वाई लेट कर लेते हैं। वाई हमने लेट कर लिया रूट एक्स को। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लैंग्वेज हमें सब में लिखना है। यहाँ पर अब आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स रूट अंडर एक्स। चूँकि डी बाई डी एक्स के बाद जो है अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं तो ब्रैकेट में सिर्फ एक ही टर्म है, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। अब डी बाई डी एक्स के बाद यहाँ पर जो रूट दिख रहा है, इस रूट को अगर मैं हटाऊं, डी बाई डी एक्स के बाद जो ये रूट दिख रहा है, ये रूट किस पर है, ये रूट एक्स पर है। अगर मैं इस रूट को हटाता हूँ तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर वन बाई टू आएगा। कभी भी रूट को जब हम हटाते हैं तो रूट को हटाने के बाद हमारा पावर वन बाई टू आता है। अब आइए यहाँ पर आप सोचिएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो वापस से आप आइए एक्स की पावर एन में। एक्स की पावर एन इसलिए क्योंकि एक्स जो है अपने आप में एक वेरिएबल है और इसका पावर जो है वो अपने आप में कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर भी एक्स एक वेरिएबल है, चर है, और इसकी पावर में वन बाई टू लिखा है, तो वन बाई टू अपने आप में कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, इस पूरे के बदले में हमारा ये आंसर आता है। एन की जगह पर क्या लिखना है, तो एन की जगह पर हमें लिखना है वन बाई टू, तो वन बाई टू एक्स की पावर में वन बाई टू माइनस वन आएगा। ये हमारा
डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, ये हमारा 1/2 भी वैसे का वैसे ही। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x की पावर -1/2। अब सोचिए x का पावर जो है वो माइनस में है, x का पावर अगर माइनस में है तो हम उसको ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1/2 जो है वो तो वैसे का वैसे ही है, x का जो ये पावर 1/2 है माइनस से जब इसको प्लस बनाना होगा तो इस x को हमें नीचे शिफ्ट करना होगा, तो x की पावर 1/2 आएगा। अब वापस आइए, अगर आपके पास रूट लगा हुआ था तो इस रूट को हटाकर आपने पावर 1/2 लिखा, कहीं पर अगर x का पावर 1/2 दिखेगा तो क्या आप उसको वापस रूट एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1/2 लिखी है तो इसको हम लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, इसको हमने लिखा है रूट अंडर x, ये हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। साथ ही साथ आप इसको एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? आपको याद बस इसका इतना रखना है कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स जो होता है 1/2 रूट एक्स होता है। फॉर्मूले की तरह इसको याद कर लीजिए, आगे ये बहुत काम आएगा आपके। डी बाई डी एक्स रूट एक्स, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। आप इसे फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए, आगे चलकर ये आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। ये लैंग्वेज तो ऐसे ही लिखना है, यहाँ के बाद आएगा आपका यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से चीज़ों को समझना शुरू कीजिए, डी बाई डी एक्स के बाद जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, दो पद हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये डी बाई डी एक्स उठाकर चुपचाप इन दोनों के साथ आपने लगा दिया, ऐसा नहीं। इस ब्रैकेट के ऊपर में अगर कोई पावर है तो सबसे पहले आप इस पावर को एक्सपेंड करें, उस पावर का प्रसार करें। तो यहाँ पर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नज़र आना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला लगेगा। अब सोचिए अगर रूट एक्स प्लस 1/√x का पावर 3 लिखा रहता तो 3 लिखा रहता तो हम वहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते। फिर आप सोचते अगर यहाँ पर 4 लिखा रहता तब क्या करते? तब आपने बाइनोमियल पढ़ा हुआ है, द्विपद प्रमेय आपने पढ़ा है, तब हम क्या करते? इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करते, पावर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, सब हम लोग बाइनोमियल से उसको एक्सपेंड करते हैं। और आगे चलकर डिफरेंशिएशन में ही हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसे चैन रूल के नाम से जाना जाता है, चैन रूल। उस चैन रूल से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, वहाँ पर हमें क्या है बाइनोमियल से एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम चैन रूल पढ़ेंगे तब हम उस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें आता है, तो हम इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये वैसे का वैसे ही, ये रूट, ये ब्रैकेट वैसे का वैसे ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर में सबसे पहले a का होल स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हमारा ऐसे क्लोज हो गया। हमने क्या किया,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको एक्सपेंड कर दिया। यहाँ के बाद ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा वैसे का वैसे ही, ये हमारा डी अपॉन डी एक्स भी वैसे का वैसे ही। ये सोचिए रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आएगा, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कट जाएगा, यहाँ पर केवल टू बचेगा और प्लस ये जो होगा वन अपॉन एक्स आएगा। अब आइए इस ब्रैकेट के अंदर आपको तीन पद दिख रहे हैं, थ्री टर्म्स दिख रहे हैं, तो ये डी बाई डी एक्स जो है सभी के साथ लगेगा। तो यहाँ के बाद ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो है वैसे का वैसे ही है, ये डी बाई डी एक्स सबके साथ लगेगा, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स टू प्लस डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स। अब इसके बाद यहाँ के बाद आपको एक चीज और देखना है कि डी बाई डी एक्स के बाद किसी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, किसी अचर पद का किसी चर राशि के साथ गुणा तो नहीं है, क्योंकि अगर वैसा रहता तो हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स के बाद केवल एक्स है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। डी बाई डी एक्स के बाद यहाँ पर केवल टू है जो कि केवल कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है। डी अपॉन डी एक्स के बाद वन बाई एक्स है, अब ये वन बाई एक्स में एक्स जो है डिनोमिनेटर में है, अगर इस डिनोमिनेटर से हम इसको ऊपर उठाएं तो एक्स का पावर माइनस वन आएगा, तो हम वहाँ पर उस एक्स को ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स टू प्लस डी अपॉन डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस वन। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा रहता वन बाई एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखते, एक्स की पावर माइनस टू लिखते। अगर वन बाई एक्स का क्यूब रहता तब हम लिखते एक्स की पावर माइनस थ्री। हाँ, लेकिन वन की जगह पर अगर यहाँ पर टू रहता, टू अपॉन एक्स लिखा रहता, तो ये बनता है टू एक्स की पावर माइनस वन। ये टू तो वैसे का वैसे ही रहेगा, हम एक्स को सिर्फ ऊपर लेके जा रहे हैं, तो एक्स का पावर माइनस वन लगता। चूँकि यहाँ पर वन लिखा है इसलिए वन को यहाँ पर लिखते नहीं हैं, लेकिन वन को छोड़कर अगर कोई और नंबर रहता, वो प्लस में रहे या माइनस में रहे, वो नंबर हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, नीचे में जो एक्स है ये सिर्फ ऊपर जाता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ के बाद फॉर्मूला सब लगेगा, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, यहाँ के बाद d अपॉन डी एक्स एक्स लिखा है, x की पावर को देखिए, x का पावर 1 है, x का पावर अगर 1 है तो वापस से आपका यही फॉर्मूला जिसमें n की जगह पर 1 है, अगर n की जगह पर 1 है तो आगे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n आया है उसकी जगह आपको 1 रखना है, तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, x की पावर 0 मतलब वो 1 हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। आप इसको भी फॉर्मूले की तरह याद रखिए। क्या याद रखना है, आपको याद रखने के लिए बोला जा रहा है कि d अपॉन डी एक्स एक्स इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको कैसे पढ़ते हैं, और इसको पढ़ सकते हैं हम कि x का अवकलन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। चलिए ये तो हमने x का कर लिया, d अपॉन डी एक्स 2 है, 2 जो है अपने आप में कांस्टेंट है, अचर है, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, तो ये प्लस का 0 प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1, फिर वापस से हमारा यही फॉर्मूला, इसमें इस बार n की जगह पर माइनस 1 है, तो आगे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर आपका n है उसकी जगह पर आपका माइनस वन आएगा, यानी माइनस वन यहाँ पर आने वाला है और माइनस वन यहाँ पर आने वाला है। तो हम पहले माइनस वन लिख देते हैं, ये जो माइनस वन लिखा गया है वो ये वाले n की जगह पर लिखा गया है,
एक्स हमारा वैसे का वैसे ही -1 -1, ये जो -1 दिख रहा है ये इस एन की जगह, और -1 जो यहाँ पर है वो हमारा ये है। अब यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू, ये तो 1 ही रहेगा, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1, और x का पावर सोचिए क्या होगा, -1 -1 माइनस का 2 होगा। x का पावर अगर -2 है तो उसको जब नीचे लेकर जाएंगे तो ये बनेगा x2। कभी भी x की पावर को माइनस में मत छोड़िएगा, x का पावर अगर माइनस में है उसको नीचे लाकर उसको प्लस बना दीजिएगा। ये है आपका फाइनल आंसर, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं तक ला के छोड़ सकते हैं। ये है इसका फाइनल आंसर। आपने देखा कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, हमने अभी तक केवल इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।